मैं हूं तन्वीर, आप देख रहे दाई को लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी कलकत्ता के राजभवन के सामने है। तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। मनरेगा का जो 15,000 करोड़ रुपया रोक कर रखा गया है केंद्र सरकार के तरफ से, उसके खिलाफ यहाँ पर एक रैली भी निकाली गई थी हाजरा मोड़ से राजभवन तक। और आज अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में मंच पर तकरीर का सिलसिला जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के एक सपोर्टर है, कार्यकर्ता भी बोल सकते हैं, वो साइकिल से पूरे बंगाल में सफर करते हैं और देख सकते हैं कि इनके सर पर माटी है। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम अर्जुन सरदार। ये आपके सर पर मिट्टी, पूरा बदन पे मिट्टी, इसकी वजह क्या है? मिट्टी को तो सबसे आगे तो प्रेम करना पड़ेगा, तो मिट्टी का साथ, तो मिट्टी इसीलिए लगाया जो हम लोग को आज जो आंदोलन यहाँ से दिल्ली तक किया है ममता बनर्जी अभिषेक बंदोपाध्याय के नेतृत्व से। तो ये लड़ाई जो है, लड़ाई का पहला नंबर है ये मिट्टी का काम किया है। जो 20 लाख वर्कर, तो ये मिट्टी का ही काम किया है, कोई नदी काटा है, कोई रास्ता का काम किया है, ये वर्कर लोग को पैसा नहीं मिला है। तो ये पैसा नहीं मिला है इसीलिए हम लोग को जितना नेतृत्व सब गया दिल्ली में जाके अपना नेता से, प्रधानमंत्री से मिलने, आपको कृषि मंत्री से मिलने गया, तो प्रतिमंत्री से मिलने गया, तो कोई देखा नहीं किया, सब भाग गया पीछे दरवाजा से। इधर में भी हो रहा है, राज्यपाल भी यहाँ से भाग गया है, तो ये लोग भागते जाएगा 2024 में। अभिषेक का देख के अभी से भाग रहा है, ममता बनर्जी अभी घर में है, ममता बनर्जी को जरूरत नहीं पड़ेगा, ममता बनर्जी के साथ लड़ने के लिए अभी भारतवर्ष में कोई नहीं है, तो अभिषेक बंदोपाध्याय के साथ लड़ नहीं पा रहा है। तो अगला दिन मोदी अस्ते से चल जाएगा, अभिषेक बंदोपाध्याय दिल्ली में जाके बैठेगा और भारतवर्ष को अपने आप को परिचालन करेगा, तो मोदी तब देखेगा कहाँ रहेगा नहीं रहेगा। बीजेपी के जो मंत्री है, कृषि मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें तो हिसाब नहीं दिया गया जो हमने पहले फंड दिया था। हिसाब उसको क्या देगा, उसको बाप का देना पड़ेगा। हिसाब तुमको लेने का हक है तो लेने का हक अगर है, किस कानून से, किस नियम से हिसाब लेना पड़ता है? पढ़ाई लिखा नहीं किया है, पढ़ाई लिखा नहीं जानता है, आपको हिसाब नहीं देगा। आप घर में पिताजी का बाजार करने किया तो हिसाब नहीं देगा तो पिताजी कैसे आपसे हिसाब ले सकता है? वो तो आपको मालूम है ना, तो उसको मालूम नहीं है। वो कह रहे बंगाल के आवाम को धोखा दे रही है तृणमूल। बंगाल का आदमी धोखा नहीं देने जानता, स्वाधीनता का आगे भी आंदोलन किया है। ये बंगाल से आज जो गद्दी में बैठा हुआ है ना, वो स्वाधीन भारतवर्ष के लिए लड़ाया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जितना विप्लवी सब ये बंगाल से आया, अभी वो राज कर रहा है। तो बंगाल का नाम पर बोलने में वो शर्म नहीं आता, वो नीपाड है, इसीलिए ये सब बात करता है। बीजेपी की जो MOS मंत्री है, कृषि MOS मंत्री, जो वो कह रही थी कि हम तो अपने दफ्तर में बैठ करते हैं, तो वो लोग हमसे मिलने के लिए नहीं आए। हम दफ्तर में बैठे हुए थे, वो जो बोल रहा है ना, एलिगेशन दे रहा है ना, उसका अगर हिम्मत है केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी अमित शाह का, तो CCTV कैमरा को ऑन करके लाइव दिखाने, टाइम टेबल सब दिखाने वालों हिम्मत है तो, कौन टाइम में कहां से कौन गया, ये लोग कितना बजे गया, उसको हिम्मत है CCTV कैमरा को दिखाने बोलो। ये आप लोग के माध्यम से हम बोल रहा। तो क्या लगता है कि मोदी सरकार ममता की, यहां बंगाल की सरकार से डर चुकी है? अरे डर चुका है कि नहीं चुका है वो उसका मतलब है, हम लोग का आम आदमी का मतलब क्या बोल रहा है, आम आदमी आपको क्या सोच आ रहा है जे क्यों भाई आप भेंट नहीं किया, आप आंख में आंख मिला के सामना सामनी बात करने का तुमको हिम्मत नहीं है क्या? ये लोग बाघ है, ये लोग तो यहाँ से 1500 किलोमीटर पार करके गया, आपको प्रशासन, आपको पुलिस, आपको CRP, आपको GRP, आपको सब तो आपको पास है, तो आप बात नहीं कर सकेगा? ये कोई इंसान का, ये कोई इंसान का औलाद का काम है? देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर का फोटो भी आप लगा कर रखे हैं,
तो गैस सिलेंडर का रखा है आप जो काम करते हैं ना, तो मायने में जाके तनख्वाह माँ को हाथ में देने पड़ता है, तो गैस कितना में था 14 साल का आगे और अभी कितना है तो माँ को खरीदने पड़ता है, माँ को जाके पूछो वो पता कर देगा तो कितना दाम है अभी। क्या नाम हुआ? अर्जुन सरदार। क्या करते हो, क्या काम करते है? हम गाड़ी चलाते हैं, काम करते हैं, काम कोई भी काम, काम कोई काम का कोई अभाव नहीं है बंगाल में, जो काम करेगा काम करने से रोजी रोटी मिल जाएगा, यहाँ कोई काम का अभाव नहीं मिलता। तो क्या आप साइकिल से इसी तरह से सफर करते हैं तृणमूल? साइकिल से सफर करता है, वैन है मेरा, सब कुछ गाड़ी है, सब जब जैसा मर्जी हुआ तब वैसे रैली करता है। देखिए तृणमूल कांग्रेस के समर्थक में सख्त नाराजगी पाई जा रही है और हमने जिससे बात की वो तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर है, तो तस्वीर में दिखा सकते हैं कि राज ये कलकत्ता का राजभवन है और यहाँ पर राज्यपाल सी वी आनंद बोस बैठते हैं, लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस की मीटिंग चल रही है ठीक राजभवन से 50 मीटर की दूरी पर, लेकिन राज्यपाल यहाँ मौजूद नहीं है, वो नॉर्थ बंगाल के दौरे पर निकल चुके हैं। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में जो रैली यहाँ पर आकर रुकी थी और राजभवन के गेट पर उन्होंने 2 पोस्टर लगाया था और तृणमूल कांग्रेस के सभी नेता केंद्र पर हमला कर रहे हैं और उनका तरफ से साफ कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मुलाकात नहीं की, पीछे दरवाजे से वो भाग गए, ठीक उसी तरह राज्यपाल जो बंगाल के गवर्नर हैं सी वी आनंद बोस, वो भी एक दिन पहले ही नॉर्थ बंगाल के दौरे पर निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्यपाल इन दोनों में कोई एक साजिश के तहत तृणमूल कांग्रेस का सामना करने से डर रही है। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।